ऐसे सोने से रूठ जाती है माँ लक्ष्मी, धन का नाश होता है, आती है दरिद्रता। किसी भी स्त्री को ऐसे कभी नहीं सोना चाहिए। नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि अत्यंत ज्ञानी और विद्वान थे। संसार के कल्याण हेतु उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जब तक आदि प्रकार के महान कार्य किए हैं। उन्होंने अपनी योग विद्या ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर प्राचीन शस्त्र और पुराणों का निर्माण किया है तथा देवताओं द्वारा प्राप्त ज्ञान को भी उन्होंने शास्त्रों के माध्यम से मनुष्यों तक पहुँचाने का उत्तम कार्य किया है। हमारे धर्म शास्त्रों में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण नियमों का वर्णन किया गया है। सुबह जागने से लेकर रात्रि को सोने तक किए जाने वाले सभी नित्य कर्मों से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों के बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है। एक मनुष्य को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए अपने शरीर को कैसे शुद्ध रखना है और इस शरीर को पवित्र करने के लिए नित्य कौन से कार्य करने चाहिए, इसका वर्णन भी हमारे विद्वान ऋषियों ने किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने शरीर से अत्यधिक मोह नहीं करना चाहिए, किंतु उसे परमात्मा से प्राप्त इस शरीर का नाश भी नहीं करना चाहिए। कई बार मनुष्य नाना प्रकार के अनिष्ट कार्य करके अपने पवित्र शरीर को मलिन करते हैं, इस दूषित करते हैं तथा पाप युक्त बना देते हैं, जिस कारण से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। मनुष्य की आयु कम होने लगती है और उसे अकाल मृत्यु प्राप्त होती है। आज हम बात करने वाले हैं, मनुष्य को अपने शरीर को पवित्र कैसे रखना है और रात्रि को सोते समय कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। खासकर महिलाओं को इस एक महत्वपूर्ण नियम का पालन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा जीवन में दुर्भाग्य आता है। सबसे पहली बात है कि मनुष्य को नित्य स्नान करना चाहिए। बिना स्नान किए कभी नहीं रहना चाहिए। स्नान से ही शरीर की शुद्धि होती है। स्नान करने के पश्चात ही मनुष्य देव पूजा आदि धार्मिक कार्य करने के योग्य बन जाता है। बिना स्नान किए कभी भोजन तथा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। बिना स्नान किए भोजन करने वाले मनुष्य के घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। दोस्तों, हमारे सभी धर्म शास्त्रों में बालों के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। मनुष्य को अपने बालों को कैसे रखना चाहिए, किस दिन कटवाना चाहिए तथा किस दिन नहीं कटवाना चाहिए, बालों को कितना लंबा रखना चाहिए और बालों से संबंधित क्या तांत्रिक कारण होते हैं, इसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवता को समर्पित होता है और सप्ताह के प्रत्येक दिन के कुछ नियम भी आवश्यक होते हैं। इसी तरह बाल कटवाने से संबंधित भी कुछ नियम होते हैं जो हर दिन के हिसाब से अलग अलग बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को अपने बाल मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन कभी नहीं कटवाने चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वातावरण में कुछ ऐसी लहरें अर्थात सूक्ष्म ऊर्जा होती है जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देती है। यह सूक्ष्म ऊर्जा हमारे सभी क्रियाकलापों पर प्रभाव डालती है, लेकिन कुछ विशेष तिथियाँ पर यह लहरें कुछ अधिक सक्रिय अथवा तेज हो जाती है। इसीलिए इन तिथियों पर बाल नहीं कटवाने चाहिए। अमावस्या के दिन बाल कटवाना बहुत ही अशुभ माना गया है। इस दिन जो अपने बाल काटता है उसके जीवन में नकारात्मक और दुर्भाग्य आता है। साथ ही मध्य रात्रि में भी अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस समय पर वातावरण में तामसिक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है, जिसका सीधा असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। इसीलिए रात्रि में बाल न काटने की सलाह दी जाती है। अब जानते हैं महिलाओं के लिए बालों से संबंधित कौन से महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार काले घने और लंबे बाल स्त्री का आभूषण होते हैं। बालों से स्त्रियों में पवित्रता और सकारात्मक आती है। प्राचीन काल से स्त्रियों के लंबे बालों को उनके सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। लेकिन लंबे बालों से जुड़ी महत्वपूर्ण बात आप सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि स्त्रियों के बाल कमर के नीचे तक नहीं होने चाहिए और यदि हो तो उन्हें इस तरह से बांध कर रखना चाहिए कि वह जमीन को स्पर्श न करे। स्त्रियों के बाल बहुत ही संवेदनशील होते हैं। बाल जमीन पर टकराने से
जमीन पर फैली नकारात्मक ऊर्जा बालों के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश करती है। इसके नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्रियों को अपने बाल कभी गंदे नहीं रखना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी रूट जाती है। साथ ही स्त्रियों को अपनी मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए, इससे स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को अपने बालों को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। इसके पीछे धार्मिक कारण यह है कि बाल स्वस्थ रहने पर सिर में खुजली नहीं होती है, इसे स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को अपने बालों को हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए। इसके पीछे धार्मिक कारण यह है कि बाल स्वस्थ रहने पर सिर में खुजली नहीं होती है और सर में हमेशा खुजली करते रहना शास्त्रों में अशुभ फलदायक माना जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो स्त्री अपने बालों को खुजलाते हुए पूजा पाठ करती है उसकी पूजा असफल हो जाती है। स्त्रियों को दोनों हाथों से जोर जोर से अपने बाल खुजलाते हुए गुरुजनों तथा बड़े बुजुर्गों से बातें नहीं करनी चाहिए। बालों को सुलझाते समय जो बालों का गुच्छा निकलता है उसे अच्छे से फेंस उसे यहाँ पर फेंकना और उसका दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि तंत्र मंत्र साधना और जादू टोने में हमेशा लंबे बालों का उपयोग किया जाता है।